ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस आप लोग जो भी इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करें। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो गाइस आपको यहाँ पर पोज देख लेना, गाइस आपको कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है गाइस आप लोग ध्यान से देख लो एकदम बिल्कुल। एंड जो ये पोज में गाइस अगर थोड़ी छोटा अगर हल्की फुल्की गड़बड़ होगी तो यार फोटो एडिट होना मुश्किल हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड को इरेज करके रखना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है, एंड जिनको इरेज करना नहीं आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार पाँच वीडियो की लिंक मिल जाएगी इसी बैकग्राउंड इरेज के ऊपर, तो वीडियो को जाकर देख लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो एडिट फोटो एडिटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमने फोटो का यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हमारा इसको हमने ऐड कर लिया यहाँ पे पिक्सआर्ट में। तो अब आप सभी का करना, आप सभी जाना ऐड फोटो में, एंड यहाँ से आपको जो आपने कटआउट निकाला अपने मॉडल का आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप लोगों को यहाँ पे इसको सिंपली से यहाँ पे जो मतलब साइज़ इंक्रीज़ करना है, एंड साइज़ इंक्रीज़ करके आपको साइड में जो कुछ इस टाइप से जो यहाँ पे रखना है, ठीक है। एंड जो हाइट वगैरह है वो ज़्यादा बड़ी नहीं रखना है, आपको ध्यान से रखना है इस चीज़ का, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको अपने मॉडल यहाँ पे कुछ इस टाइप से जैसे रख लेना है। एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है आपका मतलब शोल्डर वाला जो हिस्सा वहाँ से आपको इरेज करना है, तो यहाँ से हम ओपेसिटी कम करेंगे। एंड यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ फटाफट, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जाना ऐड फोटो में, गाइस जैसे ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो इस बैकग्राउंड इसको ऐड करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप लोग यहाँ पे फुल स्क्रीन करना अपनी फोटो की तरफ। एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स रख देना है। एंड रिजर टूल में जाना है, आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज इंक्रीज करके थोड़ा सा, एंड आपको जहाँ पे शोल्डर के पास यहाँ पे मतलब इस जगह, एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से पेंट करना है, यानी कि आपको एक शेडो क्रिएट करनी है जो कि गाइस एक रियलिस्टिक से लुक देगी आपकी फोटो में। तो आपको यहाँ पे इधर एंड ऊपर वाली साइड दोनों तरफ करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ इसे भी। ओके गाइस सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को करना गाइस, अब आप लोगों को जो इसको पहले मूव डाउन कर लेना है पहले, ठीक है। एंड मॉडल को लेना है, अब इसको मूव डाउन कर लेना है, शेडो ऊपर की तरफ आ जाएगी फिर। एंड इसके बाद आप सभी को करना है पहले मॉडल उसको एक डुप्लीकेट बनाना है, एंड आपको सेम साइज में रख देना उसे। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, ठीक है। इरेजर टूल में नहीं जाना, आपको जाना इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट में जाने के बाद आपको जो इसका अमाउंट जीरो कर देना है, उसके बाद कर देना मर्च। एंड उसके बाद क्या करना है आप सभी को यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक वाला ये रखना है, एंड उसके बाद डन कर देना है। एंड डन कर देने के बाद आपको जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज को माइनस करना है, एंड ओपेसिटी माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आपको साइड में जो है मतलब आपको अपने पैरों के दोनों तरफ आपको इस तरीके से पेंट करना है। इससे क्या होगा कि गाइस जब जब शेडो बनाओगे ना तो आपको शेडो जो रियलिस्टिक लगेगी, एंड आपका जो मतलब पैर है वो भी गाइस थोड़ा सा डार्क सा हो जाएगा ना, तो वहाँ पे वो लगेगा कि आप रियलिस्टिक में वहाँ पे खड़े हो, ठीक है। तो आप उसका जो है मतलब इस तरीके से बनाना है। एंड ये जो शेडो बनाने का तरीका आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को। तो बाकी इसके बाद बताता हूँ आपको आगे ये करना है। अब गाइस इतना कर लिया आप सभी ने, अब आप सभी को जाना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक और बैकग्राउंड, जो कि गाइस आपको अब शेडो बनाने के लिए यूज़ करना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप सभी को करना है, आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश लेना, ब्रश को लेने का साइज इंक्रीज करना है। एंड उसके बाद गाइस पीछे जो शेडो दिख रही है आपको गाइस इससे जो है पहले इसको आपको दोनों शेडो को मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे फिर अपने पैरों के नीचे शेडो बनानी है, जो कि गाइस आप बनाते हो हमेशा, ठीक है। इस तरीके से बनानी शेडो आपको। ध्यान से देखना गाइस सारे स्टेप, ठीक है, कोई भी मिस मत करना। अगर कुछ भी मिस करते थे यार मतलब कि फोटो एडिटिंग में ना दिक्कत हो जाएगी, तो अब मिस मत करना। बाकी हम इस वाले जो शेडो को इसको फिल कर देते हैं, और यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, इसको हमेशा मूव डाउन करके नीचे की तरफ पहुँचा देते हैं, ताकि जो है मतलब कि शेडो नीचे पहुँच जाए। एंड उसके बाद जो इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे जो पीछे शेडो है आपको उसके हिसाब से ही रखनी है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली अपने फोटो यहाँ पे आप डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस देखिए मेरे को अब ये लगता है कि यहाँ पे पिक्सआर्ट का जो हमारा काम है यहीं तक था। तो बाकी अब इसको हम रीटच करते हैं, रीटच करने के लिए इसको फोटो यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड इसको सेव करके अब लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में।
लाइट रूम में ले जाने के बाद गाइस आप लोगों को चले जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे पहले इसका कॉन्ट्रास्ट कम कर देना है, हाईलाइट जो है इसको भी कम करना है, शेडो जो है इसको इंक्रीज करना है, एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देना है। एंड इसके बाद आपको चले जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको यहाँ पे बढ़ा देना है एंड जो यहाँ पे सैचुरेशन इसको कम कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड इस ह्यू जो है थोड़ा सा प्लस की तरफ रख लेना है। एंड चले जाना येलो कलर में, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस करके एंड इसके बाद ग्रीन कलर का ह्यू बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर चले जाना आपको डार्क ब्लू में, अगर आपको ब्लू कलर ज़्यादा लगे तो इसका सैचुरेशन माइनस कर देना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर इसका डन कर देना आप सभी को, एंड डन कर देने के बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में आप सभी को वीकनेट डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको मिला ग्रीन अमाउंट आपको उसको बढ़ा देना है। चले जाना नीचे वाले टूल में, फोटो में जो शार्पनेस इसको बढ़ा देना है एंड जो नोट ऑप्शन इसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट ऑप्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।